देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हम महापंडित से बात किए रहे फारूक, वो हमसे बोले कि अगर चुड़ैल को काबू करना है, कैद करना है, तो 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के जड़ों की मिट्टी इनमें भरनी होगी। इसमें काका? हाँ पारो। एक बार तूने मिट्टी इकट्ठा कर ली ना, उसके बाद वो चुड़ैल बच नहीं पाएगी। उसको खाली एक आस पास रखना, फिर देखना इस मिट्टी की ताकत उस चुड़ैल पर भारी पड़ेगी। उसके बाद तू आसानी से उसको इसमें कैद कर लेगी। रास्ता बहुत कठिन है पारो, परंतु असंभव नहीं। तुझे बहुत संभल कर चलना होगा। हर कदम पर अपने आँख कान दिमाग खुले रखने होंगे। काहे के वो पेड़ की जड़ें मनुष्य को भीतर की ओर खींचती हैं। खतरा तो बहुत है पारो, परंतु खतरे के बाद जो मंजिल मिलेगी वो खतरे से बड़ा है। हमें अपनी मंजिल पानी है काका। अपने शंकर को बचाने के लिए हमें जो भी खतरा मोल लेना पड़े, हम तैयार हैं। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। शंकर के लिए हम सब कुछ करेंगे, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। मैं जानती हूं कि वो नागिन मुझ तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं कि मैंने उसके लिए क्या सोचा है। गणपति बाप्पा। ये लौ कहाँ चली गई? चुड़ैल को पकड़ लिया। ये
गणपति बाप्पा मोरिया। चलो अब विसर्जन का समय हो गया है। अरे ये पारो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? हमें मोहिनी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ चली गई होगी? ये तो वही मिट्टी है जो चुड़ैल को अपने पास खींचती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आगे। हम देख कर आते हैं। अरे नहीं नहीं यही रुको, कौन काम से गई होगी, अभी विसर्जन का वक्त है, चलो यही पे रुको। अभी आ जाएंगे हम, ठहरिए। दुर्जन विसर्जन हो जाए ना उसके बाद ढूंढ लेना। आओ आओ शंकर। आइए। गणपति बाप्पा। ये तो अम्मा की आवाज है। पारो, पारो क्या हुआ? उठ, पारो। दादी, देखना पारो को क्या हुआ? अरे, इसका तो चोट लगी है। मोहिनी भी नजर नहीं आ रही है, ठीक तो है वो? ये फिसल गई है शायद। अरे कोई लाओ पानी जल्दी। पारो, मेरी आवाज सुन सकती हो? पारो। इस पारो की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे यहाँ कैद किया। एक बार यहाँ से आजाद हो जाऊं फिर तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं नागिन। ए पारो, बोतल दो हमें वापस। बोतल दो। नहीं नहीं पप्पी, ये बोतल नहीं, ये बोतल हमारी है। तेरी? तेरा सर फोड़ देंगे हम इसी बोतल से, बता रहे हैं। चल जा, भाग जा यहाँ से, जा भाग। देख लेंगे तुम्हें। पारो टाइप के लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। कम पैसे ठुकरा दिए ताकि ताकि विश्वास जीत सके और बाद में बड़ा हाथ मार सके। अमीर घर देखा नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें कर यहीं बस गए। बस ज्योति, पारो ने ना कुछ ऐसा किया है ना ही कभी वो ऐसा कर सकती है, मुझे भरोसा है उस पर। अरे वो तो ऐसी है जो एक बेनाम रिश्ते को भी अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, और तुम हो कि रिश्ता? कैसा रिश्ता? सुनिए ना, हम आपकी बोतल ना संभाल के रखते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ संभाल के रखना। हाँ। आपको ना बुआ जी ढूंढ रही है, बहुत ही देर हो गई। बुआ जी? हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। अगर इसने मुझे देख लिया तो पलक झपकते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा और मेरी नागमणि का सपना फिर अधूरा रह जाएगा। अब हम तेरा चेहरा देख लेंगे। अब कहाँ बच के जाएगी चुड़ैल?